हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिका। टुडे इन दिस वीडियो वी विल सी हाउ टू राइट डेसिमल्स इन वर्ड्स। डेसिमल्स को हम कैसे वर्ड्स में रिप्रेजेंट करते हैं वो आज की वीडियो में हम सीखेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं इसके बारे में। इफ़ यू नो द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट, you can write decimals in words। ठीक है, प्लेस वैल्यू टेबल में हम कैसे लिखते हैं वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। फर्स्ट वन इज 8585.64। ठीक है, तो हम जानते हैं ये 10th प्लेस है हमारी, ये 100th, ये 1s और ये 10s। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे लिखें 85 and 6 10th 400th, देन दिस विल बी रॉन्ग। ये जो होगी आपकी रॉन्ग होगी, बिक�ज हमने 6 10th और 100 400th लिखेंगे तो ये चीज़ गलत कहलाएगी। तो इसका जो करेक्ट होगा वो क्या होगा, इफ़ यू राइट द अबव दिस विल बी रॉन्ग। सो ये जो आपकी स्टेटमेंट, ये जो आपने वर्ड्स में लिखा है ये रॉन्ग है। द करेक्ट वन इज क्या होगा, करेक्ट वाला क्या होगा आपका 85 and 6400th। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 432.1। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 432 and 1 pence। क्लियर है? नाउ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो कि आपको कमेंट करके बताने हैं। क्वेश्चन वन इज राइट डेसिमल्स इन वर्ड्स। ठीक है, फर्स्ट वन इज 6081.078, नेक्स्ट इज 490.17, 3068.008, 561.790। ठीक है, आपको ये सभी क्वेश्चन जो हैं कमेंट करके बताने हैं इनके आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। अब आपको नंबर नेम दिए हैं, आपको डेसिमल्स बताने हैं। ठीक है, 5 and 4 tenths, सेकेंड इज 9 and 705 thousandths। ठीक है, थर्ड इज 8 thousandths and fourth is 19 and 1900s। ठीक है, ये सब आपको कमेंट करके इनके आंसर्स देने हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।